प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.7 करा रहा हूं। उससे पहले मैंने आपको हाउ टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जांपल दिए थे, मैंने पहले दिए और एक्सरसाइज। आज मैं इसे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आई विल सॉल्व। सुनो मेरी बात, पहले क्या क्वेश्चन क्या कहता है, रीनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 एंड 69, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेट व्हिच कैन बी मेजर्ड द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है हमें क्या करना है, टू फाइंड द मैक्सिमम क्वांटिटी, द मैक्सिमम क्वांटिटी is the HCF, is the HCF of 75 kg and 69 kg। इनका क्या हमें निकालना है, 75 का हमें क्या, इन दिनों का हमें क्या निकालना है, HCF। HCF का हम क्या, पहले हम 75 का निकालेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में पहले क्या आएगा, पहले लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 7-5 कैसे 12, को 3 चुके 12, को 3 से कैसे 2-3 6 आ क्या द्रव आ वो 5, पर कैसे कैसे 5 से 5 2-3 2 6 5-5 25 कोई 5-5 25। इसी तरह से हम क्या क्या निकालेंगे 69 का, इसका भी 3 से 3 2 6 3 3 9, बस इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि 23 इज अ प्राइम फैक्टर, इज अ प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स 69 किसके बराबर है, 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 एंड 69 किसके बराबर 3 × 25। अब देखो पहले क्या हम निकालेंगे, इसका कॉमन फैक्टर्स, देखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, कॉमन COMMO एंड कॉमन फैक्टर्स FACTO ऑफ 75 एंड 69। बताओ कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, यहां पर 3 है इज इक्वल टू 3, यहां पर और कुछ है, यहाँ पर 5 है कुछ नहीं है, यहाँ पर 5 दैट्स ऑल, देयरफॉर द HCF, देयरफॉर HCF कितना गो 3, HCF इज इक्वल टू 3, देयरफॉर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट, देयरफॉर मैक्सिमम क्वांटिटी QUANTI क्वांटिटी ऑफ वेट इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब यह है, फिर से मैं समझाता हूं, जो पहला क्वेश्चन है हमें क्या निकालना है, इसमें फाइंड द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, टू फाइंड द मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, जब मैक्सिमम क्वांटिटी हुआ वो हैड टू फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69। फर्स्ट इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3, 5 एंड यहां पर 3 25 किसके बराबर 3 × 5 × 5 69 3 × 5, इनका कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर 75 एंड 69 इज इक्वल टू, यहां पर 3 है यहां पर 3 है, यहां पर 5 है यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 5 यहां पर 23, यही कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो इनमें दो है, दैट इज यहां पर क्या है ओनली 3, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, देयरफॉर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट इज इक्वल टू 3 kg। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पास देखिए, मैं आपको बताता हूं, बुक है आपके पास, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा तो इसमें इट विल टेक लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका भी हमें HCF निकालना है 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड
एंड हाइट ऑफ ए रूफ इज इक्वल इतना 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 फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रूफ. वो मतलब इसका इसका भी जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसका भी हमें निकालना है. एच सी एफ द एच सी एफ ऑफ 8 to 5 centimeter. फिर क्या है 6-7-5 centimeter एंड 450 centimeter. इन तीनों का हमें निकालना है एच सी एफ. दैट विल बी द लॉन्गेस्ट टेप. पहले हम क्या निकालेंगे 8 to 5 15 3 5 15 पहले 3 से करना है 3 2 6 अच्छा द्रा 3 7 21 अच्छा द्रा 3 5 15 3 5 15. अब इसको किससे होगा इसको 5 से होगा 5 5 5 and 15 5 5 25 इसको किसे होगा 5 11 20 5 11 कितना होगा 55. इसी तरह से हम निकालेंगे 6 7 5 का. इसको पहले उस शत सचिकस गए त्रुआ त्रुआ चोर सदा तक गए अर्धा 3 6 18 दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 3. पहले 3 से करना है 3 2 6 अच्छा 7 3 2 6 अच्छा द्रा 3 5 15 इसको किससे होगा फिर 15 से इसको भी 15 से होगा सॉरी इसको 5 से होगा 5 से 5 4 ना इसको हम क्या करेंगे जुजुकजे 4 5 9 इसको पहले 3 से करेंगे क्योंकि पहले 3 आता है 3 7 21 अच्छा द्रा 3 5 15 फिर 7 5 12 आज गए 3 से 3 2 6 इधर 3 5 15 5 5 25 ठीक है. इसी तरह से आप निकालो किसका 450 का 5 9 वो 3 1 3 इधर 3 5 15 5 6 3 5 15 0 अकिम के 5 5 10 50 यकिम से गए 5 2 5 2 10. अब इस देखो अब हमें क्या निकालना है पहले ये हमें क्या निकालना है एचसीएफ ऐसे नहीं निकलता है. देखो 8 पहले हम दिखाएंगे 8 का 8 to 5 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स 8 to 5 किसके बराबर है 3 × 5 × 5 × 11 इसी तरह से 6 7 5 किसके बराबर है 3 × 3 1 2 3 5 5 पद गो बे 4 5 कस बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 2. अब इनमें क्या निकालना आपको कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 to 5 6 7 5 and 450 क्या क्या है देखो क्या क्या है इसमें यहां पर 3 है यहां पर 3 है यहां पर 3 है 1 3 आ गया कॉमन. यहां पर 1 5 है यहां पर 1 5 है यहां पर 1 5 हो गए कॉमन. यहां पर दूसरा 5 है यहां पर भी दूसरा 5 है यहां पर भी दूसरा 5 वो बस. अब देखो यहां पर 11 है यहां पर है ही नहीं 11 यहां पर 4 ही डिजिट है यहां पर 5 है बस इतना ही क्योंकि यहां पर क्योंकि तीनों में कॉमन आना चाहिए तीनों में कॉमन 3 5 5 और द कॉमन फैक्टर. अब डियर फोर एच सी एफ
एच सी एफ जो होता है 3 × 5 × 5 पांच पैच 25 125 इसका आंसर आ गया। पांच पैचे 25 यहां कुछ 75। अब ये निकल गया एच सी एफ, देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टेप, देयर फॉर द लॉन्गेस्ट LONGEST longest tail कुता गो 75 cm। यही इसका आंसर है। कल मैं आपको LCM के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज है। देखो पहले मैंने आपको HCF बताया, ये एक्सरसाइज है 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दिखाया और सेकेंड मैंने आपको दिखाया हाउ वी कैन फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप जो है वो वी हैड टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ HCF। HCF का 1, 2, 3 का पहले इसका HCF निकालो। इससे पहले हम क्या कहें फैक्टर्स, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर, ये लिखा मैंने, इसका ये इसका प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर, ये फिर कॉमन फैक्टर्स 2, 5 इसका कॉमन फैक्टर 3, 5, 5 देन HCF 3। जब ये कॉमन फैक्टर्स जो HCF में आता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है 75, देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज 75। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।